जय भवानी, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पर स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी बिहार स्टेट परीक्षा जो 18 को थी वो अपडेट एक्सटेंड हो गई है, 20 तारीख को होगी। साथ ही साथ बात होगी एसओ को लेकर के जो है, और नई विज्ञप्ति जो एसओ की है वो कितने पदों पर कब तक आ सकती है, जो आपके प्रश्न है इसको भी शामिल किया गया आज की बड़ी खबर में। और सिपाही भर्ती परीक्षा की नोटिस कब तक जारी हो सकती है इसकी भी चर्चा की जाएगी। तो चैनल पर अगर पहली विजिट किए हैं, इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बिहार स्टेट के संदर्भ में जो नोटिस जारी हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विज्ञप्ति 2/3/2024 के संदर्भ में 18 जून को दोनों पाली में आयोजित जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम के द्वितीय पत्रों की परीक्षा की तिथि को पुनः निर्धारित किया गया। अब ये 20 जून को परीक्षा आयोजित किए जाने के संदर्भ में सूचना यहाँ पे दी गई है। दो पाली में आयोजित की शेष दिनों की जो परीक्षा वो पूर्वज संचालित होंगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। परीक्षा का समय यहाँ पर स्टेट 2024 प्रथम द्वितीय सत्र जो 18 तारीख को था ये 20 को होगा। वहीं जो है द्वितीय पत्र जो था वो द्वितीय पाली में जो था 18 तारीख को, ये 20 तारीख को द्वितीय पाली में होगा, यानी कि एक दिन का और टाइम जो है मिल गया है। पुनः निर्धारित तिथि की परीक्षा पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही होगी। इस हेतु अभ्यर्थियों को अलग से जो है प्रवेश पत्र भी नहीं निर्गत किया जाएगा। जो प्रवेश पत्र उसी तिथि पे मतलब 20 तारीख के डेट में जो है वहीं सेंटर होगा, वहीं परीक्षा होगी। यानी कि किसी भी तरह से जो आप लोगों ने अगर टिकट वगैरह किया होगा तो थोड़ा सा उसमें जो है दिक्कत होगी, बाकी के जो सेंटर वगैरह होंगे वही रहेंगे। तो ये है बिहार परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जो है नोटिस जारी की गई, परीक्षा 18 तारीख के 20 तारीख को होगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अभी हाल ही में मीटिंग की गई, तत्काल प्रभाव से सारे आयोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि जल्दी से जल्दी काम करें। लेकिन आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि ये आयोग से ढुलमुल रवैये को छोड़ेंगे नहीं और सरकार को कहीं ना कहीं दीमक की तरह पंगू किए जा रहे हैं। अब जो है बेरोजगारी दर को लेकर के जो है डाटा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है वो घटकर जो है 3.8% की गिरावट हो गई और 2023-24 में जो है वो 2.4% पर आ गई, यानी कि 6.2% से अब आ गई 2.4%। यानी कि एक हफ्ते पहले मीटिंग होती थी, तत्काल इस प्रक्रिया को तेज़ी के साथ पूरा किया। चुनाव में जो है औधे में जो है सरकार को जो है इसका कोई काट नहीं मिल पाया कि बेरोजगारी को लेकर के कोई काट निकाल सके, विपक्ष ने इसका पूरा फायदा उठा लिया। अब आने वाले समय में सरकार क्या त्वरित निर्णय लेती है और आयोग उसकी मनमानी चलती रहती है, या आयोग जो है त्वरित निर्णय लेते हुए भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी दिखाते हैं कि या फिर वही ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बेरोजगारी दर को लेकर के जो डाटा दिया जा रहा है, इस डाटा में कितनी सत्यता, ये सभी प्रौद्योगिकी छात्र अच्छे से जान रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। इसमें डाटा दिखाने का तात्पर्य होता है कि वो धरातल पर भी दिखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर है सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के नोटिस जो है आपको एक हफ्ते के अंदर देखने को मिलेगी। जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जो सरकार काफ़ी तेज़ी के साथ शासन स्तर से काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, और इस परीक्षा के संदर्भ में जहाँ तक नोटिस है वो देखने को मिल सकती है एक हफ्ते के अंदर। तो ये है लेटेस्ट अपडेट सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर। जितने भी अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है सिपाही भर्ती परीक्षा के संदर्भ में, तो चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, कोई भी अपडेट लेटेस्ट होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो एक हफ्ते के अंदर जो है नोटिस देखने को मिल सकती है परीक्षा के संदर्भ में। वहीं अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश अंदर सेवा चयन आयोग से एसओ का जो रिजल्ट आया उसको लेकर के, ज्वाइनिंग के लेकर जो आप लोगों के प्रश्न थे इसके बारे में आपको बता दें। जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें यही है कि 15 जुलाई तक जो ये प्रक्रिया जो है आयोग से कंप्लीट कर दी जाएगी और इसमें जो है ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया में जो प्रोविजनल वगैरह सारी चीज़ों को जो एक ही साथ में किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आगे पीछे नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के निश्चिंत रहें। और इस प्रक्रिया को जो जैसे जेई का ये कंप्लीट होता है, रिजल्ट जाता है, उसके बाद जो है एसओ की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर दी जाएगी। UP SSC की तरफ से जो जानकारी मिली है वो आपको अवगत कराया जा रहा है। बाकी इसमें अगर कोई भी लेटेस्ट परिवर्तन होगा तो वो भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो एसओ वाले जितने लोग भी हैं वो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। वहीं अगर नई एसओ की कोई तैयारी कर रहे हैं और इसकी विज्ञप्ति का इंतजार करें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि अगस्त में जो है इस विज्ञप्ति को लेकर UP SSC से जो है नोटिस देखने को मिल सकती है। पदों की संख्या 1300 से 1500 के बीच में आने की पूरी संभावना है नई एएसओ की विज्ञप्ति UP SSC। बाकी PET के संदर्भ में जो अभी थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि वो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पूरी संभावना है कि पेट को जो है समय रहते हुए जो लंबी प्रक्रिया ना हो, भर्ती प्रक्रिया तेज़ी के साथ हो, इसलिए एक मंथन किया जा रहा है कि पेट को जो है, क्योंकि इससे प्रतियोगियों में थोड़ा सा रोष है, तो इसको लेकर के निर्णय अभी जो है अस्थायी तौर पर लिया नहीं गया, इसमें भी निर्णय होने की पूरी चांस है। तो जैसे भी जो भी होगा वो आपको बता दीजिएगा। उसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया जो अगस्त में है वो एसओ की चर्चा है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक छोटी बड़ी खबर जब भी अपलोड हो चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले। बाकी के आपके अगर कोई प्रश्न होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।